दोस्तों बॉलीवुड में अक्सर एक बात देखी गई है कि भाई जब भी खिलाड़ी कुमार को लेकर नेगेटिव और बुरी खबरें आती हैं तो भैया ऐसी खबरों से खिलाड़ी कुमार का कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि भैया ऐसी खबरों से खिलाड़ी कुमार को फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, उनके काम में इजाफा हो जाता है। और भाई इन्हीं खबरों को देखने के बाद भैया खिलाड़ी कुमार के हेटर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स इस बात पर रिसर्च करते रहते हैं कि भैया आखिर ऐसा क्या है खिलाड़ी कुमार के साथ में कि भैया उनके साथ अगर बुरी खबरें भी आए, उनको लेकर भैया नेगेटिव खबरें भी आए, तो भैया उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उनके काम में इजाफा क्यों होता है। तो भाई ऐसा क्यों है? तो भैया इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार ने दिया है अपनी आने वाली अगली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के माध्यम से, जिसकी वजह से भैया खिलाड़ी कुमार को लेकर आज एक और बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ गई कि भैया ऐसे खिलाड़ी को भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर नहीं छोड़ना चाहते हैं मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट से यह खबर निकल के आई थी कि भाई शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के दौरान भैया खिलाड़ी कुमार को गंभीर चोट लग गई, जिसकी वजह से भैया डॉक्टरों ने अक्षय कुमार को ये सलाह दी थी कि वो कुछ दिनों के लिए भैया शूटिंग के लोकेशन से दूर हो जाएं, वो कोई हार्ड एक्शन फिल्माने की कोशिश ना करें जिससे उनको ये जो चोट लगी है उसमें इजाफा हो जाए। और भाई इसी वजह से अक्षय कुमार भैया इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो भाई ऐसा हुआ क्या? तो भाई बिल्कुल नहीं, यानी कि भैया अक्षय कुमार ने इसका भी एक नया तोड़ निकाल लिया, यानी कि भैया पहली बार अक्षय कुमार ने अपने इस फिल्म में ऐसा कदम उठाया जो कि भैया आज तक उन्होंने अपनी किसी फिल्म में उठाया ही नहीं है, यानी कि भाई वो इस फिल्म का काम ड्यूब के माध्यम से पूरा करेंगे। यानी कि भैया बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर यह खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया वो इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को फिल्माएंगे लेकिन क्लोजअप के माध्यम से, यानी कि भैया वाइड शॉट में वो नज़र नहीं आएंगे बल्कि वो क्लोजअप शॉट्स देंगे इस फिल्म के लिए। और भाई ऐसे ही खबरों को तो देखने के बाद अक्षय कुमार के चाहने वाले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हैं इस बात को लेकर कि भैया उनकी फिल्म का अगर हिस्सा खिलाड़ी कुमार बन जाते हैं तो उनकी फिल्म का काम तयशुदा टाइम पर कंप्लीट होगा। और इसी वजह से भैया खिलाड़ी कुमार की फिल्मों की लिस्ट जो है वो कभी छोटी नहीं होती है बल्कि बड़ी होती रहती है। और भाई आज भैया ऐसी ही खबर निकल के आई है बॉलीवुड के गलियारों से कि भैया खिलाड़ी कुमार के हाथ में उनके चहेते डायरेक्टर की एक और फिल्म आ गई है। तो भाई कौन है ये डायरेक्टर और किस फिल्म में खिलाड़ी कुमार नजर आने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया आज बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की फिल्मों की लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है। और भाई ये नाम किसके माध्यम से जुड़ता जा रहा है? तो भाई ये नाम है प्रियदर्शन सर का। यानी कि भैया एक इंटरव्यू के दौरान प्रियदर्शन सर ने ये बात बताई कि वो अभी कुछ दिनों के लिए मलयालम फिल्मों से दूरी बनाने वाले हैं, यानी कि भैया वो हिंदी फिल्मों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर आना पसंद करेंगे। यानी कि भाई वो मलयालम फिल्में करेंगे लेकिन अपनी आने वाली मच अवेटेड हिंदी फिल्मों को पूरा करने के बाद, यानी कि भैया उनके पास इस वक्त दो हिंदी फिल्में हैं जो कि भाई फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक फिल्म में भैया बॉलीवुड के कई सारे पुराने दिग्गज कलाकार कॉमेडी करते नजर आएंगे उनकी फिल्म में, तो भैया दूसरी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार के साथ पूरा करने वाले हैं। और इस फिल्म को लेकर उनकी मीटिंग अक्षय कुमार से हो गई है और अक्षय कुमार भी अपने इस पसंदीदा डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारी शानदार फिल्में दी हैं जो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर जबरदस्त हिट फिल्में साबित हुई हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।